खास तौर पे जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें जब चेंज हो रही होती है ना, तो उसमें एक बंदा इन्वॉल्व नहीं होता, मल्टीपल लोग, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। सबसे बेसिक समझ जो है ना, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो नई चीज़ आ रही है वो है क्या। ये फिर बात की बात है ना कि आपको पहले ये पता चले कि जी उसकी माइलेज कितनी है, जो अगर हम उसकी बात करते हैं बाइक की, तो हमें उसमें पेट्रोल में तो हमें पता है कि जी एक लीटर में वो 70 करती है, 60 करती है, 40 करती है, हमारे पास वो एक दफ़ा जब चार्ज होगी तो कितना किलोमीटर करेगी। मोहम्मद उमर किबरिया मेरा नाम है। आज का हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल चेंज मैनेजमेंट। अच्छा, मैंने पहले भी यहाँ पे काफ़ी सारे लेक्चर्स दिए हैं, मुझे लगता है सारे चेहरे नए हैं, कोई पुराना नहीं है। कोई पुराना तो नहीं जिसने कोई मेरा लेक्चर लिया हो पहले? अच्छा, टॉपिक्स डिफरेंट ही थे। अच्छा, मैं चाहूँगा कि पहले ना ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन हो जाए, पहले पता चल जाए कि आप लोग क्या हैं, कहाँ से हैं। तो आपने जस्ट दो तीन बातें बतानी है, नाम बताना है अपना, करते क्या हैं, या एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, और करते क्या हैं, अभी भी स्टूडेंट हैं या कहीं जो जॉब कर रहे हैं। तो मगर हम स्टार्ट कर दें। अच्छा, मेजॉरिटी जो है वैसे स्टूडेंट हैं। मैंने थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से बनाया था कि शायद वो लोग होंगे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि स्टूडेंट्स के मुताबिक ज़रा लेके चलें, उनको भी ज़रा देखें। स्टार्ट करते हैं जी सेशन। आज तो हम देखेंगे उसमें एक तो सेशन टॉपिक होगा शुरू में कि है क्या ये चेंज मैनेजमेंट में क्या करना है, कैसे करना है। फिर कुछ मेरा इंट्रोडक्शन है, फिर हम चेंज मैनेजमेंट को समझेंगे कि वो क्या होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज मैनेजमेंट क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि रीजंस क्या रीजंस हैं कि क्यों चेंज ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि उसका स्कोप क्या होना चाहिए, कितनी तरह के टाइप्स हैं, ये काफ़ी सारी टॉपिक्स हैं जो कि भी हम सारे आगे डिस्कस करते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं जी सेशन टॉपिक से। चेंज मैनेजमेंट जो है वो उसमें इन्वॉल्वमेंट है आपकी के जी, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप सेलेक्ट करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं कि नई टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे है, क्या वो आपसे रेलेवेंट है, आपको ज़रूरत है, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम आगे सारे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम फाइनली उसकी चेंज को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, इस चेंज के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आपकी क्वालिटी इम्प्रूव हो, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो, ठीक है, आपके कंट्रोल्स बेहतर हो। जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना, तो कंट्रोल्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ख़ास तौर पे वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ओनर्स की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। हमारे यहाँ जो कंपनीज़ हैं उसमें यूजली ओनर्स बहुत डिटेल लेवल तक इन्वॉल्व नहीं होते। जो छोटी कंपनीज होती हैं उसमें शायद खुद बैठे होते हैं ऊपर, लेकिन बड़े डिसीजंस ले रहे होते हैं, नीचे तक चीज़ें वो शायद उतना इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे मैं अगर बात करूँ, एक बंदा है छोटे लेवल पे फर्नीचर का काम कर रहा है, ठीक है, वो फर्नीचर का काम कर रहा है, लेकिन हो सकता है उसने कुछ दो तीन बंदे नीचे रखे हुए हैं जो छोटे छोटे काम वो कर रहे हैं, तो उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो वो बड़े डिसीजंस में तो शायद इन्वॉल्व है, छोटों में नहीं है। तो वो उन चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, उनकी एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव किया जाता है, उनकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाता है, वो सारे आपकी इस वक्त टेक्नोलॉजी इसमें हेल्प आउट होती है, ठीक है। टाइमली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले आपको, और आपका जो टाइम है ना, साइकिल टाइम किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट का, आपकी प्रोडक्टिविटी का, वो कम से कम हो, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है। मोहम्मद उमर किबरिया मेरा नाम है। मैं बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मैंने ACCA भी किया हुआ है एज एन हेड ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स। इस वक्त स्टाइलर्स इंटरनेशनल लिमिटेड एक टेक्सटाइल कंपनी है, वहाँ पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड मेरा है, मैट्रिक मैंने किया कैथीड्रल से, FSC की क्रेसेंट से, BCOM किया हेले से, फिर मैंने कैट किया UK की, यहाँ पे एसोसिएशन थी ACCA वालों की एसोसिएशन, वहाँ से कैट हुआ करता था, वो किया, फिर मैंने ACCA किया, और फिर मैंने CA पाकिस्तान किया, ठीक है। मेजर स्किल्स की अगर बात करूँ तो फाइनेंसिंग, क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड हूँ, तो फाइनेंसिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, कॉस्टिंग, बजटिंग, ये मेन स्किल्स तो थी। उसके साथ जब हमने काम शुरू किया, एक्सपीरियंस लेना शुरू किया, तो ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, कंट्रोल्स, ये चीज़ें आ गई, फिर लॉज आ गए, और फिर बिजनेस प्रोसेस की इंजीनियरिंग आ गई, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड काफ़ी सारा काम आ गया, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस में मेरे पास कुछ इंटर्नशिप्स हैं, 3 जगह मैंने इंटर्नशिप्स की, साइमंस में, पाकिस्तान साइकिल इंडस्ट्री में, डेस्कॉन में। उसके बाद फिर जब काम शुरू किया तो स्टूडेंट था मैं वहाँ पे, AF Ferguson एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, वहाँ पे मैं तकरीबन रहा हूँ 4 साल वहाँ पे रहा हूँ। डिफरेंट क्लाइंट्स की पिक्चर्स लगी हुई है जहाँ जहाँ पे काम किया। जुल्फ़कार में कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में रहा हूँ 2.5-3 साल,
उसके बाद फिर मैं श्री ग्रुप चला गया था, वहाँ पे चार पांच डिफरेंट पोस्ट पे काम किया, 5 साल वहाँ पे रहा। अशरफ शुगर में गया, डायनेमिक इक्विपमेंट में गया, ओरिगा ग्रुप में रहा हूँ, फिर एक्जीएम में, और अभी करंटली स्टाइलर्स में हूँ। ठीक है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स जो मैंने आज तक की हैं, कराई हैं, उनमें से कुछ के छोटे छोटे नाम लिखे हुए। ठीक है, तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था, आपका इंट्रोडक्शन भी हो गया। कोई क्वेश्चन यहाँ तक कोई पूछना चाह रहे हो? मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, चलते हैं जी। चेंज क्या है आपके ख्याल में, चेंज मैनेजमेंट क्या है, कोई अगर जवाब देना चाहे? इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले खाली चेंज की बात करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशनल बात की बात। चेंज बेसिकली हमें तब रिक्वायर्ड होता है जब हमें कोई डिफिकल्टी आ रही होती है, या फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूं तो हमारे प्रोसेस में या प्रोडक्शन में कोई ना कोई ऐसे मसाइल आ रहे हैं जिसको हमें तब्दीली की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम एक टीम बनाते हैं जो उसमें इनडायरेक्ट लेबर भी होती है, डायरेक्ट लेबर भी होती है, और वो उसमें कुछ सॉल्यूशंस भी होती हैं और उसमें कुछ हेल्प भी वो प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, वो मिलके एक चेंज मैनेजमेंट टीम है। जनाब, अगर आज के टॉपिक के रिलेटेड बात की जैसे टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट, तो हमने उसमें ये देखना होता है कि जैसे हम मूव हुए हैं मैकेनिकल बाइक से इलेक्ट्रिकल बाइक, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हमने फिर कौन से जो टीम है, टीम्स हैं वो हायर करने, जैसे लाइक इलेक्ट्रिक पहले मैकेनिकल इंजीनियर्स थे फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हायर करने, या इस तरह का अगर बात करें और कोई जी? अच्छा, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ चेंज हो रही है ना, जिस तरह इन्होंने एक दो एग्जांपल्स दी, उसको मैनेज कैसे करना है, बेसिकली चेंज मैनेजमेंट ही है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो चेंज है वो बड़ी स्मूथ चेंज हो। ख़ास तौर पे जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें जब चेंज हो रही होती है ना, तो उसमें एक बंदा इन्वॉल्व नहीं होता, मल्टीपल लोग, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मल्टीपल अगर हम बात करें तो पॉलिसीज़ कई दफ़ा इन्वॉल्व हो जाती हैं, मल्टीपल प्रोसीजर्स SOPs बने हुए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। उन सब को कंसिडर करते हुए चेंज ऐसी स्मूथ हो कि प्रॉब्लम ना आए, ट्रांजिशन पिछले से नए की तरफ बड़ा ईजीली हो जाए। असल चीज़ ये है चेंज मैनेजमेंट, कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, बेसिक लफ्ज़ों में कि द कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल अप्रोचेस टू प्रिपेयर सपोर्ट हेल्प इंडिविजुअल्स टीम या ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कि कोई जो कोई भी चेंज आ रही है ना उसको किस तरह से हम हेल्प आउट करें, कैसे करेंगे स्मूथ ट्रांजिशन हो, मेन कॉन्सेप्ट ये है चेंज मैनेजमेंट का। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन ये कैसे स्मूथ होगी, कैसे कैसे होगी स्मूथ, कोई आइडिया, कोई वाइल्ड गैस क्या करें तो जो चेंज है वो बड़ी स्मूथ हो? जैसे इन्होंने एक मिसाल दी कि जी आप मोटरसाइकिल, आपके पास अभी पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल थी, आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिकल बाइक पे, ऐसा क्या काम करें कि बड़ी स्मूथ चेंज हो? आपके ख्याल में ऐसा क्या काम करना चाहिए, कोई एक काम बताएं। स्मूथली चेंज हो गई, हाँ जी, आपके ज़हन में कोई हो? अगर सर बैरियर्स कम कर दी जाएंगे, कोई भी चीज़ है, पॉसिबल, जैसे जो लोग पेट्रोल पे बाइक चला रहे हैं, अगर उनके लिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल हो जाए, पॉसिबल मुझे, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे कहीं भी जाना है तो रास्ते मुझे पेट्रोल तो मिल सकता है। सबसे बेसिक समझ जो है ना, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो नई चीज़ आ रही है वो है क्या। ये फिर बात की बात है ना, कि आपको पहले ये पता चले कि जी उसकी माइलेज कितनी है, जो अगर हम उसकी बात करते हैं बाइक की, तो हमें वो उसमें पेट्रोल में तो हमें पता है कि जी 1 लीटर में वो 70 करती है, 60 करती है, 40 करती है, हमारे पास वो एक दफ़ा जब चार्ज होगी तो कितना किलोमीटर करेगी, फिर उसको जब दोबारा रीचार्ज करना है तो उसके हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं। घर में हैं तो ऑप्शन और है, बाहर हैं तो ऑप्शन और है। ठीक है, हमारी करंटली ट्रैवलिंग कितनी है, अगर मेरी डेली ट्रैवलिंग ही 100 किलोमीटर है और वो बाइक करती है 70 किलोमीटर एक चार्ज में, तो मैं किस तरह से मैनेज करूँगा? तो वो हमें ये सारी पहले उसको स्टडी करना है कि जो नई चीज़ आ रही है वो है किस तरह की। जब तक आप उसको प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे और एनालिसिस नहीं करेंगे पुराने के साथ और गैप नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, तब तक वो चेंज कभी भी स्मूथ नहीं होगी, वो रैंडम चेंज होगी, और रैंडम चेंज जो है ना वो स्मूथ नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, आप ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को पूरा बारीक बीनी से कवर किया जाता है कि वहाँ पे ये स्मूथ ट्रांजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रा सा कल्चरल चेंज आ जाए, ज़रा सा सिस्टम में चेंज आ जाए, लोगों में चेंज आ जाए, बड़े प्रॉब्लम हो जाती है, और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट, ये जो है ना इफ़ेक्ट होते हैं। तो हमने उसको किसी तरह से बचाना है, बल्कि उसको हमने इम्प्रूव करना है।
जब चेंज करनी है तो इस पर्सपेक्टिव से करनी है कि हमने अपने प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करना है, हमने अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जहन में रख के करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना, ये जितनी चेंज मैनेजमेंट की भी हमने बातें की, ये ज़्यादा जो है ना वो ट्रिकी हो जाएंगी, ज़्यादा एहतियात से काम किया जाएगा, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी। अच्छा, अब जब भी हम चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं ना, यूजली हम उसका कोई ना कोई प्लान बनाते हैं, फिर वो प्लान की एग्जीक्यूशन होती है। अच्छा, ये प्लान जो है वो हवाई भी हो सकता है कि आपने मैंने डिस्कस कर लिया, एक प्लान बन गया, और डॉक्यूमेंटेड भी हो सकता है। जहाँ पे मेजर चेंजेस हो रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमेशा वो डॉक्यूमेंटेड चेंज होती है, ठीक है। अगर वो डॉक्यूमेंटेड चेंज नहीं है तो उसके फ्लॉप होने के चांसेस मोर देन 50% हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे भी देखेंगे कि क्या स्टेप्स हमें परफॉर्म करने चाहिए या क्या प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, खासतौर बड़ी चेंज के, तो क्या क्या किस तरह से होके निकलता है। अच्छा जी, रीजंस क्या है, क्यों चेंज जरूरत होती है। आजकल तो बड़ी कॉमन सी रीज़न है जी, इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत तेज़ हो गया है, ग्लोबलाइज हो गई है। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज खासतौर पे जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी आम होती जा रही है, ईजी एक्सेसिबल हो गई है, चीप हो गई है, ठीक है, और उसका ग्लोबलाइज होने का बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। मार्केटिंग परस्पेक्टिव से, इंफॉर्मेशन के परस्पेक्टिव से, और बड़े सारे परस्पेक्टिव आ गए हैं, ठीक है। ये सारा आपके पास सारी अवेलेबल है, तो आप इन सारों का अल्टीमेट बेनिफिट क्या है, प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। करंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, दोनों का ध्यान में रखना है। ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्सपेक्टिव होता है वो दो पर्सपेक्टिव यूजली होते हैं। एक होता है कि ओनर्स की मैक्सिमाइज वेल्थ करनी है आपने, जो अल्टीमेट ओनर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। दूसरा, उससे लोगों को जो उससे एक साथ एसोसिएटेड है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, चाहे वो एज अ कस्टमर है, चाहे वो एज एन एम्प्लॉई है, चाहे वो एज अ गवर्नमेंट है, जो भी सप्लायर हैं और लोग हैं, बैंक्स हैं, उन सबको भी बेनिफिट होना चाहिए। तो ये चेंज जो है ना, उन सबको बेनिफिशियली होनी चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, असल कॉन्सेप्ट ये। स्कोप क्या है जी चेंजेस, अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज की हम बात करें, क्योंकि हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज में यूजली हार्डवेयर चेंजेस हो सकती हैं। हार्डवेयर क्या है, जिस चीज़ को हम हाथ लगाते हैं, जैसे ये माइक है, ये हार्डवेयर है, ठीक है, माइक हार्डवेयर है, लैपटॉप है, सर्वर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल हैं, ये सारे हार्डवेयर हैं। तो हार्डवेयर के चेंज भी हो सकती है। इसी तरह सॉफ्टवेयर, जो उसके अंदर चीज़ें रन हो रही हैं, एप्लीकेशन हो रही हैं, वो सारी सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर का चेंज भी हो सकती है। प्रोसेस हैं, SOPs हैं, जो काम हो रहा है, जिस तरतीब से काम हो रहा है, वो बेसिकली प्रोसेस है, ठीक है। वो मशीन के थ्रू भी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट के थ्रू भी हो सकता है, वो किसी और तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे प्रोसेसेस हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं कि किस तरह से क्या करना है, वो भी उनमें भी चेंजेस आ सकती हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चरल चेंज भी हो सकती हैं, आप ओवरऑल जैसे डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर ही बदल देते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है, कोई दो कंपनीज हो जाती हैं, एक से दो हो जाती हैं, दो से एक हो जाती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, तो उनसे भी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। अच्छा, चेंजेस को हम मोटी मोटी कैटेगराइज करें, अगर टाइप्स बनाना चाहें, तो जो बात समझ आती है वो ये होती है कि सबसे पहली बात है कि माइनर चेंजेस, फिर हम कहेंगे मॉडरेट चेंज, जो माइनर से थोड़ी सी ज़्यादा होगी लेकिन बहुत मेजर से कम होगी। तीसरी को हम कहेंगे तो मेजर चेंज, और ये तो रूटीन चेंजेस थी, या जो वो थी जो कि हमने आगे देख के कि ये चेंज करनी चाहिए, या हमें अंडरस्टैंडिंग थी, या हमें किसी ने प्लान दिया था, या जैसे भी था व्हाटसो एवर, ये तो वो थी जो रूटीन चेंजेस थी, नॉर्मल चेंजेस थी। एक इमरजेंसी चेंज भी आ जाती है, एक इमरजेंसी होगी, ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, तो क्या चेंज होगी। जैसे चलो मैं आपकी आपको एग्जांपल्स भी देता हूँ इन सब की। माइनर चेंजेस, जैसे आपने कोई नया अकाउंट बनाना है, विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, कोई सिस्टम देना है, ये एक छोटी माइनर सी चेंज है रूटीन की, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं है। आजकल मोबाइल में आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की, वो इंस्टॉल कर ली, छोटी सी चेंज है, कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं है, ठीक है, तो ये माइनर चेंजेस है। अच्छा, अब हर टाइप वाइज चेंज की कंपनीज़ के अंदर ख़ास तौर पे डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, डिफरेंट SOPs होते हैं, ठीक है, और उनको फिर फॉलो किया जा रहा होता है। कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जो कि शायद डिपार्टमेंट हेड से, या शायद हो सकता है डिपार्टमेंट हेड से भी ना पहुँचा जा रहा हो, आप खुद ही से कर रहे हो,
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी जब चेंज हो रही है, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो इंस्टॉल करेंगे तो वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर देने पड़े, तो वो हो सकता है डिपार्टमेंट हेड्स की बात आए वहाँ पे पूरी कंपनी की बात आए, ठीक है, वो कंपनी लेवल पे खरीदे जा रहे होते हैं और चीज़ें इंस्टॉल की जा रही होती हैं, किसको एक्सेस देनी है किसको एक्सेस नहीं देनी है वो सारी वहाँ पे चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। फिर कुछ होती है मॉडरेट चेंजेस जिसमें एटलीस्ट आपका जो हेड है वहाँ तक उसकी अप्रूवल लाजमी ज़रूरत है। फिर मेजर चेंजेस है जिसमें कोई ना कोई स्टेयरिंग कमेटी है कंपनी में, कोई और टॉप लेवल मैनेजमेंट कमेटी है या गवर्नेंस की कमेटी है, वहाँ से उसकी अप्रूवल ज़रूरी है, ठीक है। तो वो ये सारी डिपेंड करता है कि आप चेंज क्या कर रहे हैं। माइनर चेंजेस तो बहुत छोटी छोटी आपको बताया, जैसे अकाउंट कर दिया, कोई रिपोर्ट बनवा दी या रिपोर्ट में चेंजेस करवा दी, कोई ऐसा काम कर दिया, तो वो माइनर चेंज है। मॉडरेट चेंज में जैसे कोई सिस्टम अपग्रेड करा लिया आपने, ठीक है, काफ़ी कॉस्ट है, अच्छी बड़ी कॉस्ट है आजकल कोई भी अच्छा सिस्टम जो है, जैसे लैपटॉप की बात करें तो वो लाख से नीचे तो है ही नहीं, तो उससे ऊपर है तो एक अच्छी रीजनेबल कॉस्ट है, ठीक है, तो वो हो गया। इसी तरह आपने को राउटर्स चेंज करा लिया, आजकल जो अच्छे राउटर्स हैं वो भी बड़ी अच्छी कॉस्ट पर चले गए हैं, आपने को नेटवर्किंग लगवानी है, कैमरा इंस्टॉल करवाने हैं, बहुत सारे काम हैं इस तरह के जो आप कर सकते हैं। फिर मेजर चेंज है जैसे कोई आपका बड़ा लाइसेंस सॉफ्टवेयर चल रहा है जो कि शायद लाखों में नहीं करोड़ों में कॉस्ट कर रहा है आपको, और आपको उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ गई है या उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई है, कोई बहुत मेजर चेंज है, तो वो मेजर चेंज पे मैंने आपको बताया कि जी फिर उसके प्रोटोकॉल डिफरेंट हो जाते हैं, पॉलिसीज डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। फिर एमरजेंसी चेंज, जैसे आप पे कोई साइबर अटैक आ गया, एमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, सिस्टम डाउन हो गया, अब क्या होगा, नेटवर्क चोक हो गया, अब क्या होगा, इंटरनेट पीछे से बंद हो गया, अब क्या होगा, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि उसको फिर चेंज को दिखाया जाता है। अच्छा, इन चीज़ों के लिए इस चेंज को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी और पॉलिसीज़ भी काम किया जाता है, जैसे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान पे पॉलिसी बनाई जाती है, उसके तरीकेकार बनाए डिफाइन किए जाते हैं कि अगर ये काम हो जाएगा तो फिर कैसे कंटिन्यू रखेंगे बिज़नेस, बिज़नेस को सफ़र नहीं करना, उसने तो आगे चलना है। फिर रिकवरी प्लान बनाया जाता है, डिज़ास्टर रिकवरी प्लान यूजली जो होता है, बैकअप बनाए जाते हैं, उनकी पॉलिसीज़ वगैरह की जाती है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, चेंजेस से रिलेटेड, जैसे आईटी पॉलिसीज बनाई जाती है, मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही सारी बातें कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो कंपनीज में और भी बड़ा कुछ होता है। हार्डवेयर को अगर हम पहले देखें तो हार्डवेयर क्या होता है जी, जो फिजिकली आप जिसको टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई एग्जाम्पल देंगे हार्डवेयर की, और प्रिंटर्स हो गए, सर्वर्स हो गए, ये आपके राउटर्स हो गए, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो सारी जो फिज़िकली आप जिसको टच वच कर रहे हैं वो सारी हैं। छोटे से छोटे बिजनेस में भी आजकल कंप्यूटर्स का इन्वॉल्वमेंट हो गई, दुकान पे आप खड़े हो जाएं, कंप्यूटर हैं, नेटवर्क केबल है, शायद इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है, सर्वर शायद ना हो लेकिन प्रिंटर आजकल उसने बिल निकालना है, प्रिंटर लाजमी है, ठीक है, तो ये छोटी छोटी दुकानों में ये सारा कुछ हो रहा है आजकल, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इससे ज़्यादा होता जाता है। हाँ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे जो रीजनेबल साइज़ की है, वहाँ पे एक कंपनी के अंदर 10-15 सर्वर्स पड़े हुए हैं, हर सर्वर में हो सकता है 2-3 मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं जो कि आगे चल रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मुख्तलिफ चीज़ों पर काम कर रहे हैं, ठीक है। हार्डवेयर को अगर हम जब फाइनल कर रहे होते हैं, सेलेक्ट कर रहे होते हैं, उसके लिए सेलेक्टिंग के जो डिसीजन लेना है ना, वो किस तरह से लेना है, वो किस बेसिस पे लेना है, ये बेसिकली वो है कि फ़ीचर्स आजकल तो आईटी में फ़ीचर्स बहुत रैपिडली चेंज होते हैं, एक से दूसरे मॉडल में बहुत सारे फ़ीचर्स का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है, वो फ़ीचर्स आपको देखने के आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगली आगरे आपको 4-5 में अपनी क्या रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है, किस तरह से है, आप उसको देखते हुए पूरा कर लेंगे। स्पीड परफॉर्मेंस कैसी है, स्टोरेज कितनी है, मोबिलिटी कैसी है, और फिर इन द एंड कि आपके बजट में भी आता कि नहीं आता, पैसे कितने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये सारा डिसीजन इन्हीं बेसिस पे हो रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें हम, तो सॉफ्टवेयर क्या है जी, सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सर्वर्स वगैरह में यूजली लिनक्स और रेड हैट वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, और जो फ्रंट एंड होते हैं उसमें यूजली हमारे यहाँ पे ज़्यादातर विंडोज़ बेस्ड यूज़ हो रहे होते हैं। ऑफिस एप्लीकेशन हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, विजियो, इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं ऑफिस के अंदर जो एक कॉमन यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट के भी हो सकते हैं और अदर देन माइक्रोसॉफ्ट भी हैं अवेलेबल। माइक्रोसॉफ्ट वाले जो हैं वो लाइसेंस्ड होते हैं, जो कि हमारे यहाँ यूजली लाइसेंस्ड नहीं यूज़ किया जा रहा होता,
लेकिन इसके अलावा भी टूल्स अवेलेबल हैं जो कि सेम यही काम करते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उनके माइक्रोसॉफ्ट के नहीं हैं और दूसरे लोगों के, ठीक है, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं और वो उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्री हैं, ठीक है, वो शायद उतना बड़ा डाटा नहीं मैनेज कर पाते, लेकिन अगर आपका इतना बड़ा डाटा है ही नहीं तो आपको लाइसेंस लेने की क्या ज़रूरत है, और इतना बड़ा डाटा अगर आपका है तो ऑब्वियसली आपका कंपनी का साइज़ भी इतना बड़ा होगा कि आप शायद लाइसेंस भी अफोर्ड कर रहे होंगे। सॉरी, आजकल के जो अकाउंट्स में जो काम चल रहा है उनमें ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि जो काम हम नहीं कर सकते यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के लिए वो नहीं कर रही होता है, मतलब कि दूसरे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एक नॉर्मल लाइफ में हम बात करें कि जो एक दुकान का एक सिस्टम है, स्टॉक का है, बिलिंग का है, डेली बेसिस पे है, तो वो भी ऑफिस के अलावा ही होता है सॉफ्टवेयर से। जी वो बिजनेस एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं आप, ये बिज़नेस एप्लीकेशंस भी आ रही हैं तीसरे नंबर पे, बिज़नेस एप्लीकेशंस हो गए या ईआरपी टूल्स हो गए। ईआरपी होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्लानिंग, वो भी होते हैं जिसमें अकाउंटिंग सिस्टम्स की बात आपने की, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम हैं, डाटा एनालिसिस टूल्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स के कोई टूल्स हैं उनकी सिस्टम हैं, तो मुख्तलिफ इस तरह के हैं, और फिर मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं। तो ये बेसिकली जो सॉफ्टवेयर हैं वो यूजली इन चार कैटेगरीज में फॉल कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें बिज़नेस एप्लीकेशन जो हैं वो कुछ ऐसी होती हैं जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आप सर्वर से एक्सेस कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो वेब बेस होती हैं कि वो किसी जगह पे ऐसी पड़ी हैं और आप इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस करके आप यूज़ करें, वो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जो बड़ी चेंज है ना आगे सॉफ्टवेयर में वो है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की चेंज। ये वर्ड किसी ने सुना है पहले आज तक, ईआरपी इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर? जी, इंडस्ट्री में कॉमन यूज होता है। क्या है, क्या बेसिकली इसमें आपने जितने भी अपने रिसोर्सेज हैं उनको एक तो विजुलाइज करना है, या फॉर एग्जांपल आपने करंट अपनी कोई प्रोडक्शन देखनी है, या जिस तरह से पीपीसी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो वो रिसोर्सेज कैसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज क्या है जी? किसी को कोई आईडिया हो? रिसोर्स रॉ मटेरियल रिसोर्स है जी, और कोई? जी आप ही। इसके अलावा सर ऑफिस स्टॉक, इक्विपमेंट्स हो गए। हाँ जी, इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स हो गए आपका, ठीक है, प्लांट जो है आपका रिसोर्स है, ओनर्स बेसिकली आप में पैसे इंजेक्ट करें वो रिसोर्सेज हैं आपके, ठीक है, क्रेडिटर्स आपको, सप्लायर्स जो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं रिसोर्स हैं आपके, कस्टमर्स जो आपसे खरीद रहे हैं रिसोर्स हैं, गवर्नमेंट जो आपको चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड कर रही है रिसोर्स है, ठीक है, आपके पास जो आपके एसेट्स हैं वो रिसोर्स हैं, आपकी जो ये रॉ मटेरियल हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, बैंक्स हो गए, ये सारे रिसोर्सेज हैं, आपके एम्प्लॉइज़ आपके रिसोर्स हैं, इन तमाम रिसोर्सेज को अगर हम प्लान कर सकें उसके लिए कोई टूल ऐसा बनाया जाए उसे इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग टूल कहते हैं, ठीक है। पुराने ज़मानों में हम तो काफ़ी लेट अडॉप्ट करते हैं ना, हमारा मुल्क थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल ख़ास तौर पर पीछे है, चीज़ें बनाने वाला नहीं है, अडॉप्ट करने वाला है, तो हमारे यहाँ तो बड़ा स्लो स्लो काम चलता रहा, बड़ी देर से आई हमारे यहाँ तो शुरू में जो सॉफ्टवेयर चलते हैं, कंप्यूटर भी जब आए तो वो सॉफ्टवेयर चलते थे जो एक आधा फंक्शन परफॉर्म करते थे, जो सिर्फ शायद अकाउंटिंग कर देते थे, सिर्फ लेजर्स बना देते थे, सिर्फ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेते थे। अच्छा, आगे इधर थोड़े से बढ़े तो ऐसे टूल्स आए कि जो स्टॉक को भी मैनेज करना शुरू हो गए, हमारी सप्लाई चेन को मैनेज करना शुरू हो गए, परचेज को देखना शुरू हो गए, सेल्स को देखना शुरू हो गए, लेकिन वो सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर थे, एक काम कहीं हो रहा है, एक काम कहीं किसी और एक्जी में हो रहा है, एक्जी का वर्ड थोड़ा सा फेमिलियर है, यानी कि एक एप्लीकेशन और है, वो एप्लीकेशन और है, तीसरी एप्लीकेशन और है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए काम कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन और है जिसमें पेरोल बन रहा है और चीज़ें हो रही हैं, उनके डाटे को बाद में मैनुअली कंबाइन किया जाता था और वहाँ से फिर आपके अकाउंट्स बनाए जाते थे। ये कॉन्सेप्ट बाहर बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, उन्होंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर की तरफ, बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ जाना शुरू कर दिया जो ये सारे काम एक ही जगह से हो सके। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा कंट्रोल, एक जगह पे होगा तो आप कंट्रोल इजीली कर सकेंगे, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग, कि एक ही जगह से आप सारी मल्टीपल टाइप्स की रिपोर्टिंग ले सकेंगे, रिपोर्टिंग को आप थोड़ा इजी ना लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कि बेसिकली अकाउंटेंट का है वो है ही अल्टीमेटली रिपोर्टिंग, क्योंकि इन रिपोर्ट्स की बेस पे ही डिसीजन होने, आपके फ्यूचर के जितने डिसीजन हैं या आपने जो पीछे फैसले किए हैं उनका जो आउटकम नज़र आना है वो सारा इन रिपोर्ट्स की बेस पे आना है,
तो वो बहुत की रोल है उनका, उनके बगैर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो वो अल्टीमेटली जब आपके पास इकट्ठा सेंट्रलाइज डाटा होगा, मल्टी डायरेक्शनल रिपोर्ट्स आप ले सकेंगे। एक ही रिपोर्ट में आप ये देख सकेंगे कि एम्प्लॉयज़ टोटल कितने थे इस महीने, पिछले महीने कितने थे, मेरी इस वक्त क्या कॉस्ट आ रही है, पिछले महीने क्या कॉस्ट आ रही थी, इस दफ़ा मेरी क्या प्रोडक्टिविटी है, पिछली दफ़ा कितनी प्रोडक्टिविटी थी, मैंने कितने इस दफ़ा क्रेडिट दिया, कितना मैंने कैश पे दिया, कितनी मैंने रिकवरी कर ली, कितने पिछले महीने से रिकवरी कर ली। ये एक ही जगह पे आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, जबकि अलग अलग अगर एग्जी हो तो जो अकाउंटिंग वाला वो सिर्फ अकाउंटिंग देख रहा होगा, एचआर वाला सिर्फ एचआर देख रहा होगा, जो सप्लाई चेन वाला सिर्फ सप्लाई चेन देख रहा होगा। तो इकट्ठे आप ये डिसीजन ही नहीं कर सकेंगे। इकट्ठी ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन हो तो उसकी वैल्यू कुछ और है, और अगर अलग अलग है तो उसकी वैल्यू कुछ और है। ठीक है जी। फिर इस पर कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी और चीज़ें भी बड़ा जो है ना वो मैटर करती हैं। अच्छा, ईआरपी का ओरिजिन क्या है? 60s में ना आईबीएम एक कंपनी है, उसने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी। हमारे यहाँ तो कंप्यूटर्स बहुत लेट आए, पहले वहाँ पे तो जब ये आए थे बहुत बड़े साइज़ के, बड़े स्लो थे, आज के कंप्यूटर से मैच नहीं करते, लेकिन उस ज़माने में जब वो आए और उन्होंने जो सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप किए, उसमें पहला जो काम किया वो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग किया। उस ज़माने में ये बड़ा समझाता था कि आपने कोई चीज़ बनानी है तो उसकी रिक्वायरमेंट, आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी कोई, जैसे मैं ये डेस्क बात करता हूँ कि मैं ये बनाना है, मुझे कितने का बेचना है, ये सारा का सारा डिपेंडेंट है कि मेरी इस पर कॉस्ट क्या आई है। जब तक मैं इसको एक्चुअल कॉस्ट, ट्रू कॉस्ट नहीं निकाल सकूँगा, तब तक मैं, मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं कितने का बेच रहा हूँ। और अगर मैं कोई प्राइस रख भी दिया मार्केट को देखते हुए, तो मुझे नहीं पता कि मैं प्रॉफिट में हूँ कि लॉस में हूँ। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि आप अपनी मर्जी की प्राइस से बेचते हैं, क्योंकि आपकी क्वालिटी उसका डिफरेंट हो, आपका डिज़ाइन डिफरेंट है, उसका यूजेज डिफरेंट है, तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो आप उसकी प्राइस कैसे सेट करेंगे, जो आपको पहले ही पता होगा कि आपकी कॉस्ट क्या है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉस्ट में सबसे बड़ा मेन रोल होता है आपके मटेरियल्स का, लेबर का। तो सबसे पहले जो कंसिडर किया गया वो ये समझा गया कि जी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को पूरा किया जाए किस तरह से। तो 60s में मेन फोकस ये था। 80s में आके कुछ नए कंपनीज एंटर हुई, ओरेकल और जेडी एडवर्ड्स वगैरह, इन्होंने मटेरियल से निकल के एक अगला स्टेप में लेके आया कि मैन्युफैक्चरिंग की रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए, पूरे मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें मटेरियल भी इन्वॉल्व है, उसमें लेबर भी इन्वॉल्व है, उसमें ओवरहेड्स भी इन्वॉल्व है, उन सब की आपको प्लानिंग करनी चाहिए। तो वो जो सॉफ्टवेयर उस ज़माने में आए वो ज़्यादातर पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कवर करना शुरू हो गया। अभी भी आपने देखा होगा कि वो फोकस एक आधी साइड पे है, ठीक है, एरियाज़ की तरफ है, तो इसको MRP 2 कहा जाता था। 90s में आके इंटीग्रेटेड सिस्टम आने शुरू हो गए, जिसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, अकाउंटिंग इन्वॉल्व हो गई, सप्लाई चेन इन्वॉल्व हो गई, HR इन्वॉल्व हो गई, और चीज़ें बाकी बहुत सारे कंपनीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। जैसे अभी इन्होंने बात की PPC की बात की, तो PPC पूरा प्रोडक्शन प्लान बना रहा है, वो शायद मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट तो नहीं है, लेकिन वो पीछे प्लानिंग का पार्ट है। वो प्लानिंग का टूल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो एक बहुत बड़ी हर्डल है। प्लानिंग आप मैनुअल कर रहे हैं, एक्चुअली एग्जीक्यूट उसको सिस्टम में कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी। तो ये जब आप आए 90s में आए, तो 90s में मुख्तलिफ जो बड़े सॉफ्टवेयर थे उन्होंने सारी चीज़ें कवर करना शुरू हो गए। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है कार्डनर ग्रुप, जो कि बेसिकली एनालिसिस करता है डिफरेंट चीज़ों के, करने के बाद अपनी रिपोर्ट्स पेश करता है, अपने उसके रिसाले हैं बहुत सारे। तो वो उन्होंने जो है ना ये पहली दफ़ा वर्ड यूज़ किया ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कि अब ऐसे टूल आ गए हैं जो कि पूरी इंटरप्राइज के रिसोर्सेज को प्लान करें। इंटरप्राइज के, मैंने आपको बताया ना बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो भी मैंने काउंट कराए, तो इन सारे रिसोर्सेज को एक जगह पे प्लान किया जा रहा है, एक टूल के थ्रू प्लान किया जा रहा है। तो वो आपके ERP आ गया। अच्छा, 2000s में आए तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा आम हो गया, चीज़ें स्पीड अप पकड़नी शुरू हो गई, तो उस वक्त ERP के साथ इंटरनेट भी इन्वॉल्व हो गया। जब इंटरनेट इन्वॉल्व हुआ तो आपकी ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होगी कि जी ये सामने ही सर्वर पड़ा होगा तो चलेगा। और सर्वर बेशक दूसरे शहर में पड़ा हो, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी है, दूसरे मुल्क में पड़ा हो, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी है, तो क्लाउड का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया। इंटरनेट के थ्रू चीज़ें इवॉल्व होनी शुरू हो गई, वहाँ से डेटा एंट्री शुरू हो गई, रिपोर्टिंग शुरू हो गई। फिर 2010s की बात करें अगर हम, तो रियल टाइम डेटा एंट्री के, पहले होता था कि एक जगह
आपने डाटा एंट्री कर रहे हैं, दूसरी कंपनी दूसरी जगह एंट्री कर रही है, दूसरा अगर देखें मेरा एक ब्रांच ऑफिस है वो वहाँ बैठे अपने सर्वर पर एंट्री कर रहा है, मेरे यहाँ पे कर रहे हैं, हम उनको मर्ज कर देते थे वो डाटा, लाइव तो हमारे पास शायद नहीं आ रहा था लेकिन वो साथ ही डे एंड पे मर्ज हो जाता था या वीकेंड पे मर्ज हो जाता था और डाटा रिपोर्टिंग इकट्ठी मिल जाती थी। फिर 2010 में इंटरनेट की स्पीड भी बेहतर होगी बहुत ज़्यादा, सॉफ्टवेयर्स ने भी अपने आर्किटेक्चर को चेंज किया और उनको स्पीडी बनाया, इजी एक्सेसिबल बनाया, उनके साइज़ को छोटा किया ताकि वो इजीली डाटा ट्रांसफ़र हो सके, तो वो रियल टाइम डाटा एंट्री पे आ गए, मशीन्स को लिंक करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर उसके अलावा आप 2020 की जब बात करें, 2020 में आए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, AI इन्वॉल्व हो गया, पहले से बैठ के डिसीजंस AI की बेस पे हो रहे हैं कि आगे हमारी करंट जो ट्रेंड नज़र आ रहा है उस ट्रेंड के मुताबिक आगे किस तरह से वो चीज़ें चेंज होती नज़र आ रही है। मैकडोनल्ड तो सारों ने देखा होगा, आपने कभी नोट किया कि वहाँ पे बहुत सारे बर्गर्स कई दफ़ा पीछे रैक में रेडी पड़े होते हैं, KFC चल जाएँ, मैकडोनल्ड चले जाएँ, आप जाते हैं कई दफ़ा तो वो फ़ौरन आपको उसी वक्त गर्म गर्म आए हैं आपको मिल जाते हैं, कई दफ़ा वो आवाज़ लगाते हैं या सॉफ्टवेयर में जो उन्होंने एंट्री की है वो पीछे प्रिपेयर होके आते हैं तो फिर आपको मिलते हैं। उनके सिस्टम्स में AI यूज़ होता है, वो ये बता रहा है कि पिछले ट्रेंड को देखते हुए हर दिन हर घंटे के हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, वेनेसडे का गाहक और होता है, थर्सडे का और होता है, वीकेंड का गाहक और होता है, दोपहर का गाहक और होता है, रात का गाहक और होता है, रश टाइम दोनों का फ़र्क होता है, दोनों की डिमांड्स फ़र्क होती है, स्टूडेंट आए तो वो कुछ और मांगता है, फैमिली के साथ आओ तो कुछ और चीज़ चलती है, वो सारा कुछ देखते हुए ट्रेंड एनालिसिस करते हुए एक आपको बताता है कि जी आगे क्या करना चाहिए, आपको प्रोजेक्शन दे रहा है, वो घंटों की प्रोजेक्शन भी दे रहा है, उसमें से भी आप कहते हैं कि जी इतनी चीज़ें हम कोशिश करें कि रेडी रखें ताकि डिलीवरी टाइम कम से कम हो। आपके बहुत सारी गाड़ियाँ इस वक्त क्यू में लगी हुई हैं, वो आती हैं एक काउंटर पे ऑर्डर करती हैं, अगले काउंटर पे आकर चीज़ें रिसीव करती हैं और निकल जाती हैं, जितनी जल्दी डिलीवरी टाइम होगा उतनी क्यू छोटी हो जाएगी, उतनी स्पीडली आपकी सेल आपकी बढ़ जाएगी, वो सेल भी चल रही है, अंदर भी सेल चल रही है, AI सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। फिर बहुत फूड इंडस्ट्री में खासतौर पर मैकडॉनल्ड KFC में इनमें स्टैंडर्ड्स हैं कि कितने घंटे चीज़ अगर चीज़ नहीं सेल हुई उनको डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है, तो वो ये भी नहीं है कि मैं बना के सुबह का रख छोड़ूँ और उसके बाद बेचता रहूँ, तो मुझे इस तरह की चाहिए कि वो मेरे उस हिसाब से कैलकुलेट करके बताए कि ये मैं इतना बना लूँ तो ये मेरा अगले एक घंटे के अंदर निकल जाएगा सारा, कुछ उसके मुताबिक ऑर्डर मिल रहे होंगे, कुछ उसके अलावा भी ऑर्डर आ रहे होंगे, मैं वो भी प्रिपेयर करूँगा, मेरे लोग खड़े हैं वो बना रहे हैं, बीच में टाइम मिल रहा है तो ऐसी चीज़ भी बना रहे हैं जो कि भी मुझे ऑर्डर नहीं आया लेकिन मुझे पता है कि वो आ जाना है, तो वो कौन बता रहा है, AI बता रही है। ये तो एक मिसाल दिया ना मैंने, बहुत सारी मिसालें इस तरह की, एल्गोरिथम AI में है ही एल्गोरिथम। अच्छा जी, ERP ज़रूरी क्यों है, ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ बढ़ते जा रहे हैं, डाटा का साइज़ बढ़ता जा रहा है, कैपेसिटी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, फिर हमने बात की डाटा रिडंडेंसी की, डुप्लीकेट डाटा नहीं होना चाहिए, रिडंडेंसी मतलब रिडंडेंट डाटा के एक, अब जैसे हमने पहले मिसाल दी थी कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वहाँ पे अकाउंट्स कुछ और बन रहा है, वहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट एक अलग डिफाइन हुआ हुआ है, आपके परचेजिंग का सॉफ्टवेयर है उधर बहुत सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं जो वहाँ पे दी हुई थी, एक सॉफ्टवेयर है जो कि एसेट्स को मैनेज कर रहा है वो अलग, उसने सारा कुछ खाता खोला हुआ है, अब वहाँ पे एम्प्लॉइज चाहिए तो वहाँ पे अलग खोलने पड़ते हैं, HR के मॉड्यूल में अलग एम्प्लॉयज खुले हुए हैं, एक जगह पे जो चीज़ सेंट्रली बनी है वो हर जगह अक्रॉस द सॉफ्टवेयर यूज़ हो रही हो, एक ही जगह पे एम्प्लॉय खुला है वही अप्रूवल हायरार्की में यूज़ हो रहा हो, वही आपके फिक्स एसेट की कस्टोडियन के तौर पे यूज़ हो रहा हो, ठीक है, वही वोचर डालने वाला है या प्रूफ करने वाला है उसके तौर पे भी यूज़ हो रहा हो, एक जगह पे खोला हर तरफ आपने यूज़ कर लिया, साइज़ छोटे से छोटा, स्पीड बेहतर से बेहतर। फिर आजकल के दौर में तो ऐसा ERP पॉसिबल ही नहीं है कि जो कि ओवर द इंटरनेट आपको फैसिलिटी ना दे, फिर अब जो ज़्यादा इम्प्रूव्ड सिचुएशंस आ गई हैं उसमें तो क्लाउड बेस बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया कि अब तो ERP क्लाउड बेस ही होंगे,
आपके पास कहीं भी पड़े हुए हैं, आपको बल्कि पता भी नहीं है बहुत सारे लोगों को कि मेरी कंपनी का सर्वर कहाँ पड़े हैं, कहाँ से एक्सेस हो रहे हैं। मुझे ये पता कि मतलब ये लिंक लिखो तो एक्सेस हो जाता है, मेरा यूज़र बना हुआ पासवर्ड बना, मैं वो डालता हूँ, अब काम करता रहता हूँ, मुझे नहीं पता पीछे कहाँ से क्या हो रहा है। हो सकता है कि वो मेरे प्रेमिसेस में हो सकता है कराची पड़े हो सकता है वो सिंगापुर पड़े हो सकता है जर्मनी पड़े हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, लार्ज डाटा कहते हैं जी बेसिक कंट्रोल होने चाहिए, लार्ज डाटा हैंडलिंग हो, एफिशिएंट टाइमली रिपोर्टिंग हो, इंटीग्रेशन विद अदर मॉड्यूल्स हो, रिड्यूस डुप्लीकेशन हो, बेटर स्केजुलिंग एंड रिसोर्सेज हो, रिड्यूस डाउन टाइम हो, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे बड़े सॉफ्टवेयर में होती हैं आजकल। बड़े ERP के नाम में अगर मैं लेना चाहूँ तो आजकल जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी के पास है। जितने बड़े पाकिस्तान में भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे SAP यूज़ कर रहे हैं, उनको बाहर से उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो कहती हैं जी ये यूज़ करना है। SAP ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बना लिए हैं। एयरलाइन का सॉल्यूशन, एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, टेलीकॉम की इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी के पास है। जितने बड़े पाकिस्तान में भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे SAP यूज़ कर रहे हैं, उनको बाहर से उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो कहती हैं जी ये यूज़ करना है। SAP ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बना लिए हैं। एयरलाइन का सॉल्यूशन, एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, टेलीकॉम की इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी के पास है। जितने बड़े पाकिस्तान में भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे SAP यूज़ कर रहे हैं, उनको बाहर से उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो कहती हैं जी ये यूज़ करना है। SAP ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बना लिए हैं। एयरलाइन का सॉल्यूशन, एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, टेलीकॉम की इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी के पास है। जितने बड़े पाकिस्तान में भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे SAP यूज़ कर रहे हैं, उनको बाहर से उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो कहती हैं जी ये यूज़ करना है। SAP ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बना लिए हैं। एयरलाइन का सॉल्यूशन, एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, टेलीकॉम की इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी के पास है। जितने बड़े पाकिस्तान में भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे SAP यूज़ कर रहे हैं, उनको बाहर से उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो कहती हैं जी ये यूज़ करना है। SAP ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बना लिए हैं। एयरलाइन का सॉल्यूशन, एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, टेलीकॉम की इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी के पास है। जितने बड़े पाकिस्तान में भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे SAP यूज़ कर रहे हैं, उनको बाहर से उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो कहती हैं जी ये यूज़ करना है। SAP ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बना लिए हैं। एयरलाइन का सॉल्यूशन, एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, टेलीकॉम की इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। ठीक है,
तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी के पास है। जितने बड़े पाकिस्तान में भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे SAP यूज़ कर रहे हैं। उनको बाहर से उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो कहती हैं जी यही यूज़ करना है। SAP ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बना लिए हैं। एयरलाइन का सॉल्यूशन, एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। टेलीकॉम की इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी के पास है। जितने बड़े पाकिस्तान में भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे SAP यूज़ कर रहे हैं। उनको बाहर से उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो कहती हैं जी यही यूज़ करना है। SAP ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बना लिए हैं। एयरलाइन का सॉल्यूशन, एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। टेलीकॉम की इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी के पास है। जितने बड़े पाकिस्तान में भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे SAP यूज़ कर रहे हैं। उनको बाहर से उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो कहती हैं जी यही यूज़ करना है। SAP ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बना लिए हैं। एयरलाइन का सॉल्यूशन, एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। टेलीकॉम की इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी के पास है। जितने बड़े पाकिस्तान में भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे SAP यूज़ कर रहे हैं। उनको बाहर से उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो कहती हैं जी यही यूज़ करना है। SAP ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बना लिए हैं। एयरलाइन का सॉल्यूशन, एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। टेलीकॉम की इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी के पास है। जितने बड़े पाकिस्तान में भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे SAP यूज़ कर रहे हैं। उनको बाहर से उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो कहती हैं जी यही यूज़ करना है। SAP ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बना लिए हैं। एयरलाइन का सॉल्यूशन, एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। टेलीकॉम की इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी के पास है। जितने बड़े पाकिस्तान में भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे SAP यूज़ कर रहे हैं। उनको बाहर से उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो कहती हैं जी यही यूज़ करना है। SAP ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बना लिए हैं। एयरलाइन का सॉल्यूशन, एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। टेलीकॉम की इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी के पास है। जितने बड़े पाकिस्तान में भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे SAP यूज़ कर रहे हैं। उनको बाहर से उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो कहती हैं जी यही यूज़ करना है। SAP ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बना लिए हैं। एयरलाइन का सॉल्यूशन, एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। टेलीकॉम की इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी के पास है। जितने बड़े पाकिस्तान में भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे SAP यूज़ कर रहे हैं। उनको बाहर से उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो कहती हैं जी ये यूज़ करना है। SAP ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बना लिए हैं। एयरलाइन का सॉल्यूशन, एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। टेलीकॉम की इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी के पास है। जितने बड़े पाकिस्तान में भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे SAP यूज़ कर रहे हैं। उनको बाहर से उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो कहती हैं जी ये यूज़ करना है। SAP ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बना लिए हैं। एयरलाइन का सॉल्यूशन, एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। टेलीकॉम इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज्यादा बिजनेस इसी के पास है। जितने बड़े पाकिस्तान में भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे SAP यूज कर रहे हैं। उनको बाहर से उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो कहती हैं जी ये यूज़ करना है। SAP ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बना लिए हैं। एयरलाइन का सॉल्यूशन, एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। टेलीकॉम की इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी के पास है। जितने बड़े पाकिस्तान में भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे SAP यूज़ कर रहे हैं। उनको बाहर से उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो कहती हैं जी ये यूज़ करना है। SAP ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बना लिए हैं। एयरलाइन का सॉल्यूशन, एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। टेलीकॉम इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज्यादा बिजनेस इसी के पास है। जितने बड़े पाकिस्तान में भी बड़े मल्टीनेशनल्स हैं वो सारे SAP यूज कर रहे हैं। उनको बाहर से उनकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो कहती हैं जी ये यूज़ करना है। SAP ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बना लिए हैं। एयरलाइन का सॉल्यूशन, एयरलाइन की इंडस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। टेलीकॉम की इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी,
सबसे ज़्यादा बिजनेस इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP, सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP,
सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी सबसे ज़्यादा बिजनेस इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है ठीक है तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी सबसे ज़्यादा बिजनेस इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है ठीक है तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है ठीक है तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है ठीक है तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है ठीक है तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो SAP सबसे बड़ा यही समझा जाता है भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है